लेकर ये बड़ी खबर है जिसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है याचिका। वाराणसी से पीएम के खिलाफ उम्मीदवार थे तेज बहादुर। इलेक्शन कमीशन ने तेज बहादुर के नामांकन को किया था रद्द। नौकरी छोड़ने का हलफनामा नहीं दायर करने पर रद्द हुआ था नामांकन। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे तेज बहादुर और अब यहां पर इलेक्शन कमीशन ने तेज बहादुर के नामांकन को रद्द किया था। हलफनामा नहीं दायर करने पर रद्द हुआ था नामांकन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समय की, तेज बहादुर की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका।